दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही नॉलेज देने वाला हूँ जो कि बहुत आपकी काम आएगी। तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा। और चलो दोस्तों चैनल में और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे सारे वीडियो चैनल पर आते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने हम इंस्टाग्राम पर लिखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, फॉलो कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी परेशानी, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, फिर मैं आपको सुनूंगा। चलो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे ऐप के बारे में जिससे दोस्तों आपने दुनिया में जितने भी सिम है, जितने भी नेटवर्क है दोस्तों, उन सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन मतलब आप जैसे कि आइडिया की सिम यूज कर रहे हैं, या यूनियो की सिम यूज कर रहे हैं, या एयरटेल यूज कर रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग जो मेरे भाई लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है कि इन सिमों में अपना डाटा कैसे चेक करें, या अपना बैलेंस कैसे चेक करें, या जैसे कि आपने गलती से आपने डायटोन लगा ली तो डायटोन को हटाने के लिए उस किस नंबर पर कॉल करें। दोस्तों इस ऐप में जो मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको सारे सिम जो आप इंडिया में यूज होते हैं सब जो सिम है उन सबके आपको नंबर मिल जाएंगे। आप आसानी से कोई से सिम के जो कस्टमर केयर के नंबर है, या बैलेंस चेक के नंबर है, बैलेंस चेक करने या डाटा चेक करना, आपको सब जो है आपको इस सिम में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, और आपको काम आपके काम भी आ सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को आगे देखिएगा। चल चलते हैं मेरे भाई की स्क्रीन के ऊपर, वहां पे मैं बताता हूँ आप कैसे इस ऐप का यूज करेंगे और आप कैसे कैसे करेंगे। चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी मालिक की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इसका नाम है कॉलर डिटेल। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पर मिल तो जाएगा, बट आपको आसानी से नहीं मिलेगा। दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप टाइटल पर क्लिक करके नीचे ऐप लिंक होगा, उस पर क्लिक करके सिंपली इस ऐप पर पहुँच जाएंगे और डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली से इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने इंडिया में जो जितने भी सिम यूज़ होती हैं सबको यहाँ सब आप यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएंगी, जितने भी सिम यूज़ होती हैं सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसका दोस्तों आप जैसे कि आप एयरटेल की सिम यूज़ कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि इसमें डाटा कैसे चेक करते हैं, और तो या बैलेंस कैसे चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो गेट कॉल डिटेल का और सिम इंक्वायरी का। दोस्तों आपको सिम इंक्वायरी पे जाना है। दोस्तों जितनी ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए हाउ टू रिचार्ज, अब रिचार्ज करने के लिए ये की दवाई ये की आपको दवानी पड़ेगी। और दोस्तों मेन बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। और दोस्तों आपको मैसेज बैलेंस इंक्वायरी के लिए आपको यहाँ इस वाला ये वाले नंबर है इसको डायल करना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों आपको सारी जो आपके फ़ोन की जो इंपॉर्टेंट होंगी तो आपको यहाँ पे दे दी जाएंगी। ऐसे दोस्तों आपको जोन से आप कोई सिम का डाटा चेक करना चाहते हैं, या आपको आपको पता नहीं है कि मेरे पास जो सिम है उसको डाटा कैसे चेक करते हैं, तो आप यहाँ ऐसे ही जाके अपने डाटा जो ऑफर्स हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए कोई सी भी सिम हो सब आप यहाँ से कर पाएंगे। ऐसे दोस्तों आपको जो जैसे आपको वोडा जैसे आपकी टेलीनोर की सिम है, दोस्तों टेलीनोर की सिम में आप यहाँ से सिम इंक्वायरी पे जाएंगे। और दोस्तों जो आप देखिए दोस्तों जैसे भी आप इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही यूज़फुल ऐप है, आप यूज़ करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसे दोस्तों आपकी जैसे दोस्तों हमारे इंडिया में जैसे जियो की सिम बहुत यूज़ होती है, और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है कि इसका डाटा कैसे चेक होता है और बैलेंस कैसे चेक होता है, ऊपर कैसे देखे जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके सिम इंक्वायरी पे जाके आप यहाँ से जो है चेक कर पाएंगे जियो का डाटा। दोस्तों बहुत ही अच्छा ऐप है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम।